नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से वीजी सावरकर पर दी गई टिप्पणियों पर अलग रुख अपनाया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी सावरकर का बहुत सम्मान करती है और वह स्वतंत्रता सेनानी पर राहुल गांधी की टिप्पणी का समर्थन नहीं करते हैं। इसके साथ साथ ठाकरे ने ये भी पूछा कि केंद्र सरकार की ओर से सावरकर को अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया। मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी का समर्थन नहीं करते। हमारे मन में स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए बहुत सम्मान और विश्वास है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट महाविकास गाड़ी का हिस्सा है। इसमें कांग्रेस के साथ साथ शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में सरकार भी चला चुका है। अब यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के बेटे और राज्य के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे पिछले सप्ताह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होने के लिए उद्धव ठाकरे को भी न्योता दिया गया है। हालांकि अभी तक ठाकरे यात्रा में शामिल नहीं हुए। दूसरी ओर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी वीजी सावरकर पर टिप्पणियों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वह स्वतंत्र सेनानी के बारे में पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र के लोग उचित समय आने पर उन्हें उपयुक्त जवाब देंगे। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य के लोग हिंदुत्व विचारक की किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वाशिम जिले में आयोजित एक रैली में हिंदुत्व विचारक सावरकर पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी आरएसएस के प्रतीक सावरकर है। मैं 2-3 साल तक अंडमान में जेल में रहे, उन्होंने दया याचिका लिखनी शुरू कर दी। अब आपको क्या लगता है, यहाँ पर जो कयासों का दौर शुरू हो चुका है कि क्या एनडीए गठबंधन टूट जाएगा, क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे और भी ज़्यादा तंज कसते नजर आएंगे राहुल गांधी पे, और महाराष्ट्र में क्या होगा भारत जोड़ो यात्रा का, राय ज़रूर दीजिएगा। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।